गुड इवनिंग एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे माई सेल्फ सागरिका शर्मा जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम ए uh, एफ के रिगार्डिंग डे बाय डे कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं उसी रिगार्डिंग आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं साथ में ही उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे सो so दैट कि आपकी फर्दर अगर उससे uh, उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपकी वहाँ पर हेल्प हो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो सेशन से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जिन्होंने भी टेलीग्राम को एंड यूट्यूब को फॉलो नहीं किया है तो उसको आप कर सकते हैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इसी के साथ आपको वहाँ पे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड रिजल्ट्स के रिलेटेड जो है वो अपडेट्स मिलते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो सबसे पहला क्वेश्चन है माइको हर्बिसाइड्स रिलीज्ड फॉर कॉमन यूज इन तो यहाँ पे माइको हर्बिसाइड्स की बात हो रही है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइको हर्बिसाइड टर्म का मतलब क्या है किस टाइप ऑफ फॉर्मोलेशन के लिए हम इनको यूज करते हैं अब हर्बिसाइड वर्ड लगा हुआ है तो आपके माइंड में इतना तो आइडिया होगा कि हर्बिसाइड्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं मतलब किसी भी प्लांट पॉपुलेशन की ग्रोथ को आ, कम करना उसको ग्रोथ को अवॉइड करना उसके लिए हम जो फॉर्मूलेशन का केमिकल्स का स्प्रे यूज करते हैं उसको हर्बिसाइड्स बोलते हैं इसके अलावा फर्दर वीडी साइटम भी इसी के अंदर आ जाती है कि वीडी साइड का मतलब ये होता है कि जो हमारे लिए टोटली अनवॉन्टेड प्लांट्स हैं उनको खत्म करना किसी भी केमिकल स्प्रे के थ्रू फार्मुलेशन के थ्रू उसको वीडी साइड बोला जाता है तो अब यहाँ पे माइको हर्बिसाइड की बात हो रही है माइको हर्बिसाइड का मतलब क्या है कि ऐसा हर्बिसाइड जिसमें फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट है मतलब कि वो एक केमिकल नहीं है बट उसमें उस फंगस के एक्टिवेटेड स्पोर्स प्रेजेंट हैं उसके थ्रू एनी प्लांट्स का जो है वो प्लांट्स किल हो रहे हैं उनकी ग्रोथ जो है वो अवॉइड हो रही है उस चीज़ को माइको हर्बिसाइड्स बोला जाता है तो हम बोल सकते हैं कि जो बायो रेगुलेशन बायो फॉर्मोलेशन के अंदर माइको हर्बिसाइड्स को या फिर बायो हर्बिसाइड्स भी इनको हम बोल सकते हैं क्योंकि ये प्ला हमारा फंजाई के स्पोर्स हैं तो एक बायोलॉजिकल पार्ट हो गया अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ऑप्शन क्या क्या हैं इसके अंदर बायोलाइन है बायोडाइन है बायोकिल है डिवाइन है तो आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है वीड साइंस के टॉपिक को साथ में आपने बायो हर्बिसाइड्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि आ, कौन कौन से फंगीसाइड स्पोर्स को हम यूज करते हैं और कौन कौन से उससे बायो हर्बिसाइड्स बनते हैं तो ये आप सभी को पता होंगे तो मोस्टली सभी ने इसका आंसर जो है वो डिवाइन किया है आप सभी का आंसर राइट है डिवाइन ही इसका आंसर आएगा बट साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो डिवाइन है डिवाइन तो इसका आंसर हो चुका है बट डिवाइन के अंदर कौन सी फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट है है तो बता सकता है कोई इसका आंसर क्या आएगा कि के अंदर कौन सी फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट है इसके अलावा अगर हम बाकी माइको हर्बिसाइड्स की बात करें या फिर बायो हर्बिसाइड्स भी इनको हम बोल सकते हैं तो फिर इनके अंदर और कौन कौन से नेम्स आ सकते हैं ये भी हमें सारा इसका साथ में ही पता होना चाहिए तो अगर हम यहां पे बात करें कोलेगो की बायोपोलैरिस की या फिर बायोलाइन की ये सारे जो हैं वो आपके बायोहर्बिसाइड्स के नाम हैं इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कोलेगो की तो इसमें फंजाई के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा बायोप्रिस बायोलाइन में जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिट्स इन दोनों के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा अगर हम डिवाइन की बात करें तो इसमें फाइटोपथोरा जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कॉजिंग फंगस है इसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेनली सिट्रस इसके अंदर वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है डिवाइन को तो ये चारों के चारों आपको पता होने चाहिए डिवाइन कलेगो बायपोलरस से तीनों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको इनका पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स प्रेजेंट है इसके अलावा Uh, कौन कौन से स्पोर्स हैं और uh, किस किस चीज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम इनका यूज करते हैं तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसके रिलेटेड सारी आपको इंफॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन गुली इरोजन स्प्लैश इरोजन नॉर्मल इरोजन रिल इरोजन एंड शीट इरोजन द करेक्ट सिक्वेंस इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉयल लॉस ड्यू टू दिस टाइप ऑफ इरोजन सीज तो यहाँ पे हमने इस इोजन टाइप को इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेन्ज करना है की सबसे कम इरोजन वाली स्टेज कौन सी है इसके अलावा फर्दर जब इरोजन का म होता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग कौन, कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑप्शन को ढूंढना है किसका फर्स्ट ऑप्शन क्या बनेगा अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो वही स्टेज आएगी कि नॉर्मली जो इरोजन हो रहा है मतलब कि अभी तक हमने उसको काउंट ही नहीं किया इरोजन में तो वो आपका नॉर्मल इरोजन की कैटेगरी में आ जाता है तो नॉर्मल इरोजन जो टर्म है यहाँ पे वो सबसे पहले आएगी इतना हमें पता होना चाहिए तो कई बार हमारे माइंड में यही कन्फ्यूजन रहेगा बाकी सिक्वेंस हो सकता है आप सभी को इसके बारे में पता होगी बट जो आपके लिए मोस्ट कन्फ्यूजिंग टर्म रहेगी यहाँ पे वो नॉर्मल इरोजन ही रहेगा तो वेब ने बोला है वन टू तो चलिए देख लेते हैं कि इसका सीक्वेंस कैसे आएगा तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट आएगा फर्स्ट नंबर फर्स्ट पे जो है वो थ्री ऑप्शन आएगी थ्री वाले दो ही हैं अब इन दोनों में से जो राइट right है हमारा वो हमने चूज करना है तो अगर हम नॉर्मल इरोजन की बात करें तो फर्स्ट पे आएगा उसके बाद आएगा स्प्लैश इरोजन सेकेंड वाला उसके बाद आएगा आपका शीट इरोजन अब ये तो मैं आपको करवा रही हूं साथ साथ में राइट आंसर क्या आएगा बट आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी इरोजन की स्टेज है जिसको डेथ ऑफ फार्मर बोलते हैं तो अभी आपने इसका आंसर करना है कि डेथ ऑफ फार्मर किस स्टेज को बोला जाता है और क्यों बोलते हैं हम उस स्टेज को तो सेकेंड पे आएगा स्प्लैश इरोजन सेकंड वाला ही थर्ड पे आएगा शीट इरोजन फोर्थ पे आएगा फोर्थ वाला इरोजन एंड फिफ्थ पे आएगा फर्स्ट वाला गली इरोजन तो ये आपका राइट right आंसर इस क्वेश्चन का जो बनेगा वो फोर्थ ऑप्शन ही बनेगा तो अब आप सभी ने ये बताना है कि यहाँ पे हमने डेथ ऑफ फार्मर किस चीज को बोलते हैं प्लस इसको डेथ ऑफ फार्मर क्यों बोला जाता है इरोजन की किस चीज को बोला जाता है शीट शीट सभी का शीट है देवराज ने बोला है रिल इरोजन को ओके okay, तो शीट इरोजन को ही जो है वो आपका डेथ ऑफ फार्मर बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि शीट इरोजन में क्या होता है जो टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉयल होती है उसका रिमूवल हो जाता है उस टॉप टॉप फर्टाइल सोयल लेयर के रिमूवल को ही शीट इरोजन बोला जाता है और अगर वही रिमूवल हो रहा है उसका रिमूवल हो रहा है तो इससे क्या होगा प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा तो इसी वजह से इसको डेथ ऑफ फार्मर बोलते हैं दूसरा हमें यह भी पता होना चाहिए आ... कि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो किस इरोजन में बनती हैं किस सिरोजन किस स्टेज में बनती हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि रियल इरोजन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं अब स्प्लैश में क्या था स्प्लैश इरोजन को जो है वो रेन ड्रॉप इरोजन भी बोला जाता है ये टर्म भी आपको पता होगी रेन ड्रॉप क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बाउंसिंग फॉर्म में उनका इरोजन होता है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब रेन की ड्रॉप उनके ऊपर पड़ती है तो उसमें जो सिंगल पार्टिकल्स का रिमूवल हो रहा है उसको रेन ड्रॉप इरोजन या फिर आपका स्प्लैश इरोजन बोलते हैं इसके अलावा अगर हम शीट इरोजन की बात करें इसको हमने अभी डिस्कस किया था कि इसको डेथ ऑफ आमरा बोलते हैं क्योंकि कंप्लीटली जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है उसका रिमूवल हो रहा है इसके अलावा अगर हम साथ में बात करें आपका अब थर्ड स्टेज जो है वो रील इरोजन की है रील इरोजन में क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस प्रकार से बन जाती है मतलब कि बीच में से जो है पूरा का पूरा सॉइल का रिमूवल हो जाता है इसको हम जो है वो आ, आपका रील इरोजन बोलते हैं एंड लास्ट जो स्टेज आती है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इरोजन जिसमें कंप्लीट इरोजन हो चुका होता है उसको गली इरोजन बोला जाता है तो सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में किसी भी टाइप से कैसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए अब आप सभी ने ये बताना है जो ये हमने पांच टाइप्स पढ़ी हैं स्प्लैश शी, स्प्लैश शीट रिल गर, गली इरोजन ये सारी की सारी किस टाइप ऑफ इरोजन की टाइप्स हैं वाटर इरोजन है या फिर सोयर इरोजन है इसका आंसर अभी आपसे भी निकलना है इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोदो मिलेट इज तो कोदो मिलेट का फॉलोइंग साइंटिफिक नेम पूछा गया है वैसे तो इजी क्वेश्चन है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए वैसे आपको पता होगा कि 2023 को यूएनओ के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है तो इसी वजह से हो सकता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मिलेट्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है आपके एग्जाम्स का तो आपने अच्छे से मिलिट्स को पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कोदो मिलेट की तो सभी ने इसका आंसर वाटर इरोजन किया है गुड सभी का आंसर जो है वो राइट है तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कोदो मिलेट का साइंटिफिक नेम क्या है सबसे पहले तो ये बताओ कि कोदो मिलेट की फैमिली कौन सी है साइंटिफिक नेम तो हम इसका यहाँ पे देख लेंगे प्लस अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें अ दूसरा आपने ये बताना है कि ये मेजर मिलेट्स में आएगा या फिर माइनर मिलेट्स में आएगा मिलेट को दो मिलेट माइनर मिलेट्स के अंदर है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो अब हम बात करते हैं ओके okay, सभी का ही डिस्कस करेंगे डोंट वरी तो कोदो uh, मिलेट का मैंने फैमिली पूछी थी आपसे किसी ने उसका आंसर अभी तक नहीं किया है और ना ही ये बोला है कि इसका राइट right आंसर क्या आएगा माइनर मिलेट माइनर मिलेट तो चलो ठीक है इसकी कैटेगराइजेशन हो गई बट मैंने आपको इसकी फैमिली भी पूछी थी इसके अलावा कोदो का साइंटिफिक नेम क्या है मेजर मिलेट किसने बोला उमेश मेजर मिलेट कैसे आ जाएगा अगर हम मेजर मिलेट की बात करें सबसे पहले फर्स्ट बात ये आती है कि जो ये कैटेगराइजेशन है मेजर मिलेट की और माइनर मिलेट की ये किस बेसिस पे है है मतलब कि इनको कैसे मेजर और माइनर बोला गया है? बता सकते हो कि किस बेसिस पे इनका कैटेगराइजेशन है मेजर मिलेट का और माइनर मिलेट का साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूं कि मेजर मिलेट की कैटेगरी में मेनली हम किस किस को कंसिडर करते हैं तो पल मिलेट स्वर्गम तीसरा है फॉक्स टेल मिलेट सॉरी फिंगर मिलेट तो फिंगर मिलेट इन तीनों को जो है वो मेजर मिलेट बोला जाता है ग्रामीणी पोएसी ओके एंड अगर हम बात करें माइनर मिलेट्स की तो वो आपका इस क्वेश्चन में क्लियर हो ही जाएगा कि माइनर मिलट्स क्या क्या आएंगे अब अगर इसका बात करें एल्यूजिना आपका जो कोदो मिलेट का साइंटिफिक नेम है वो है पेप्सिलियम्स कॉरबाइटिकलियम इसका ये साइंटिफिक नेम है स्टीरिया की अगर हम बात करें एल्यूजिना कॉरस्याना जो है वो फिंगर मिलेट का साइंटिफिक नेम है अब इन मिलेट्स के जो कि माइनर मिलेट्स है सारे के सारे जो अगर हम बात करें इन चारों के चारों की तो ये आपके जो है वो माइनर मिलेट्स हैं तो आपको इनका साइंटिफिक नेम जरूर पता होना चाहिए जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है इसके अलावा अगर हम बात करें ये आपका कोदो का साइंटिफिक नेम है इसके अलावा स्टीरियर की बात करें तो ये फॉक्स टेर मिलेट है इसके अलावा अगर हम बात करें पेनिकम मिलिसियम की तो ये आपका पोर्सो मिलेट है तो यहां पे आपका इल्यूज़िना ये हम इसको मेजर मिलेट्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं तो ये मेजर में आएगा बाकी जो ये तीन है ये आपके माइनर मिलेट्स हैं साथ में अब मैंने आपसे पूछा था कि इनको मेजर और माइनर क्यों बोला है किस बिहाफ पे इनका मेजर और माइनर में क्लासिफिकेशन किया है तो अगर हम बात करें इनके साइज के बेसिस पे जो है वो इनका क्लासिफाइंग क्लासिफिकेशन किया गया है मेजर मिलट्स का और माइनर मिलट्स का मतलब कि इनका जो साइज है अगर ज्यादा है तो वो मेजर मिलट्स अगर छोटा स्मॉल है तो आपका माइनर मिलट्स है इसके अलावा अगर हम बात करें को दो मिलट की तो कोदो मिलेट जो है वो आपका उसको कोर्स मिलेट मुले, आ, कोर्स बोला जाता है सबसे ज्यादा वो कोर्स होता है मतलब कि उसका सरफेस सबसे ज़्यादा रफ होता है सीरियल्स इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट की तो आ, 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 आपका जो कोदो मिलेट है इसके अंदर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो 8.3 ग्राम तक प्रेजेंट होता है फ़ैट इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो 66 परसेंट तक इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती है इसके अलावा अगर हम फैट की बात करें तो 1.4 ग्राम तक फ़ैट होता है बट अगर हम बात करें कि इसमें हाईएस्ट कौन सी चीज़ है तो क्रूड फाइबर जो है वो इसमें आपका हाईएस्ट होता है तो वो नाइन ग्राम तक जो है वो इसमें क्रूड फाइबर प्रेजेंट होता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि अमंग द मिलेट को दो मिल्ट में क्या चीज़ ज़्यादा है तो इसमें फाइबर सबसे ज़्यादा होता है दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे फॉक्स टेल मिलेट की तो ये प्रोटीन का जो है वो रिच सोर्स होता है ट्वेल्व के अराउंड जो है इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि आई थिंक सेकेंड हाइएस्ट द मिलेट्स है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए किसका राइट right आंसर जो है वो क्या आएगा तो आपको तीनों मिलट्स इन सभी मिलेट्स के बारे में मेजर मिलट्स के बारे में माइनर मिलट्स के बारे में दूसरा आपको ये भी पता होगा कि मिलट्स जो है वो बेसिकली मिनरल्स के रिसोर्स होते हैं तो ये सारी बातें आपको इनके बारे में क्लियर होनी चाहिए किस मिलट में प्रोटीन ज़्यादा है किस में फैट ज्यादा है कौन सा फाइबर का रिसोर्स है सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए तो यहाँ पे हमने ये एनालाइज़ किया कि जो कौदो मिलेट है वो आपका उसमें फाइबर सबसे ज्यादा है कोर्स अमंग ऑल सीरियल्स है इसके अलावा अगर हम बात करें फॉक्सटील मिलर की तो उसमें प्रोटीन जो है वो सेकेंड हाईएस्ट प्रेजेंट होता है तो आ, ये आपका नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूकलैप्टस ट्री लीफ लीचे आर नॉन टू स्प्रेस द ग्रोथ ऑफ तो अब आपको इतना सभी को पता है कि जो यूक्लेप्ट ट्री है मतलब की जो फेदे का ट्री है उसमें एलिलो केमिकल्स प्रेजेंट होती है या फिर वो ट्री जो है वो एलिलो केमिकल्स को स्क्रीट करता है जिसकी वजह से उसके राउंड प्लांट्स की या फिर बाकी के वीड्स वगैरह की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले हमें यहाँ पे ये यह पता होना चाहिए कि लीचेड्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है क्या मतलब इसका इसका मतलब होता है लीफ लीचेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे तो लीचेट्स का मतलब क्या है कि अगर हम आ, सफेदा ट्री के लीव्स को एक वाटर में डिप करके रखते हैं फॉर द सम टाइम पीरियड उसके बाद उसका जो एक्सक्रीट एक्सक्री, आ, एक्सक्री आ, एक्सक्रेटा हो जाएगा उस वाटर के अंदर उस लीफ का एक्सट्रैक्ट आ जाएगा उसको अगर हम अप्लाई कर रहे हैं एज यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए तो उस उसको हम जो है वो उस सोल्यूशन को जिसमें उसका आ, एक्सक्रेटा प्रेजेंट है लीव्स का उसको जो है वो लीचेट्स बोला जाता है मतलब कि लीव्स के अंदर जो ऐसे केमिकल्स थे या फिर कुछ भी था मतलब ऐसा एलिलो केमिकल था जिस जिसकी वजह से वो लीव से बाहर निकल के उस वाटर के, के अंदर आ गए हैं और उसके बाद हमने उसे वाटर का अगर फॉर्मुलेशन किया है कोई भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए तो उसको जो है वो उस सोल्यूशन को लिचेट्स बोला जाता है मेनली तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इतना तो हमें पता था कि एलिलो केमिकल केमिकल्स होने की वजह से जो सफेदा का ट्री है उसके राउंड प्लांट्स की ग्रोथ है वीड्स की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है बट यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो उसके लीफ के लीजेट्स हैं वो किस फॉलोइंग में से कौन से वीड को स्प्रेस करने के लिए जो है वो यूजफुल हैं साइप्रस को कस्कटा को पार्थीनियम या फिर फ्लैरस माइनर को तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा कस्केटा uh, इसका आंसर नहीं आएगा इसका जो आंसर है वो है धूप ग्रास जिसको हम बोलते हैं साइप्रस रोटंडस जो है इसका साइंटिफिक नेम है और इसको कंट्रोल करने के लिए मेनली जो है वो इसके लीफ के एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ किया जाता है तो इसको आप ट्राई भी करके देख सकते हो कि जो इसके इससे हो क्या जाता है कि जो इसके लीफ में एलिलो केमिकल्स प्रेजेंट होती हैं वो उससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो टोटली रुक जाती है अवॉइड हो जाती है हिंडर हो जाती है उसकी ग्रोथ जिसकी वजह से वो फर्दर ग्रो ही नहीं कर पाता है और एट लास्ट उसकी जो है वो डेथ हो, तो हो जाती है तो इस प्रकार से वीड की पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ आपका जो वीड की ग्रोथ है वहाँ पर वो स्टॉप हो जाती है तो इस प्रकार से वीड का कंट्रोल भी हो जाता है तो इसका राइट क्वेश्चन आंसर जो आएगा वो साइप्रस रोटनडस आएगा बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा

इसमें क्या होता है कि जो यूकलैप्टस के अंदर ऑयल होता है मेनली इसके अंदर अगर हम बोलेंगे वोलाटाइल ऑयल जो प्रेजेंट होता है सिट्रोनाइल जो होता है उसके थ्रू जो है वो इसकी ग्रोथ रुकती है पार्थीनियम की मतलब कि उसकी फर्दर इसके जो पार्थीनियम के सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं अगर उसके ऊपर हम इसका यूक्लेप्टस का आ, आ, इसके जो एरोमेटिक uh, कंपाउंड है इसके अंदर अगर उसका स्प्रे वहां पे हो रहा है तो दोनों क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं दोनों को आपने ध्यान रखना है वैसे कंट्रोल तो इससे पारथीनियम भी हो जाएगा पार्थीनियम आपको पता है कि कांग्रेस ग्रास जो है वो सीड के थ्रू ही उसका डिस्पर्जल होता है सीड के थ्रू ही वो जरमेंट करता है तो अगर उसके सीड को हम जो है वो आपका वो कर देते हैं Uh, uh, अगर हम इसके सीड्स को ही ग्रो नहीं होने देते या फिर उसके अंदर ही ऐसा उस टाइम पे उसको ऑयल्स में उसका ट्रीटमेंट कर देते तो इससे जो है वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती तो इस प्रकार से ऑटोमेटिकली वीड का कंट्रोल हो जाता है बट अगर ऑटोमेटिकली ग्रो हुए हुए वीड्स हैं तो उसमें अगर ग्रोथ स्प्रेस करनी है तो उसके लिए साइनाडॉन आपका साइप्रस में जो है वो बेनिफिशियल होता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑयल ऑफ रेप सीड प्रोसेज इज साइजेबल अमाउंट ऑफ तो रेप सीड एंड मस्टर्ड की यहाँ पे बात हो रही है तो उनके ऑयल में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं अब आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें पल्सिस की या फिर ऑयल सीड्स की या फिर सीरियल्स की तो वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है

अंदर होता है और सबसे कम जो है वो तारामीरा के अंदर होता है बट अगर हम बात करें कि उस ऑयल में जो ये रेपसीड और मस्टर्ड का ऑयल कंटेंट है इसमें सबसे ज्यादा जो फैट है वो किस ऑयल में प्रेजेंट है तो वो तारामीरा तारा ऑयल में सबसे ज्यादा फैट प्रेजेंट होती है ऑयल ऑयल चाहे उसमें कम है बट उसके ऑयल में फैट जो है वो ज्यादा होती है बट मस्टर्ड की ऑयल में जो फैट है सबसे कम होती है बट ऑयल कंटेंट मस्टर्ड क्रॉप में जो है वो सबसे ज्यादा होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए इसके अलावा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा एसिड आएगा और एंड लिनोलिक एसिड आएगा लाइनोलैनिक एसिड आएगा या फिर ऑल ऑफ द अबव आएगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है मस्टर्ड के रेपसीड और मस्टर्ड के ऑयल के अंदर ये सारे ही एसिड्स प्रेजेंट होते हैं अगर हम बात करें आपका लिनोलिक और लाइनोलैनिक एसिड की तो ये दोनों एसिड्स ऐसे हैं जो कि आपका मेनली इनके अंदर प्रेजेंट हैं और किसी भी मैमल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं या फिर उनकी बॉडी में वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो इसके इसी वजह से हमारे लिए बेनिफिशियल भी है दूसरा अगर हम यूरोसिस एसिड की बात करें तो इसमें जो है तो, इसको थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि टॉक्सिक एसिड है इसी वजह से जितनी भी कैनोला की वेराइटीज़ है या फिर जो कैनोला है उसमें लेस देन थ्री परसेंट एसिड प्रेजेंट होता है और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे ऑयलिक एसिड की तो इसका मेजर कॉन्स्टेंट है आपका रेप मस्टर्ड के ऑयल का तो इसी वजह से सारे ही एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो Uh, तो इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि इसमें ऑयल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है कौन सी चीज में आपको कैनोला का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैनोला के अंदर कितनी अमाउंट में जो है वो कौन सा फॉलोइंग में से कॉन्स्टेंट होना चाहिए तो रोसिक एसिड का जो कंटेंट है वो लेस देन टू होना चाहिए कैनोला ऑयल के अंदर ये भी आपको पता होना चाहिए और कैनोला को डबल जीरो वराइटीज भी बोलते हैं भी आपको पता होना चाहिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट एफिशियंट क्रॉप फॉर नाइट्रोजन एंड फॉसफोर इज नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का यूटिलाईजेशन के लिए इनमें से जो है एफिशियंटली uh, किस क्रॉप में सबसे ज्यादा होता है जूट समर राइस पोटैटो मेज तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा किस क्रॉप में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो है वो एफिशियंटली यूटिलाइजेशन होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सभी ने करना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या आएगा तो इसका जो राइट right आंसर है वो है जूट जूट में जो है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होता है अगर हम बात करें यहाँ पे पोटैटो की तो पोटैटो में ओनली फॉस्फोरस को ही एफिशिएंटली यूज किया जाता है और हमें ये भी पता होना चाहिए कि पोटैटो जो है वो हैवी फीडर ऑफ आपका सॉरी यहाँ पे आपका पोटाश का है ये मेनली तो इसको पोटाश चाहिए होता है इसके अलावा अगर हम मेज की बात करें तो मेज़ इस भी इसका आंसर नहीं आएगा समर राइस में जो है वो नाइट्रोजन ही मेनली रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा तो इसका जो राइट right आंसर है वो जूट आएगा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात नेक्स्ट द लिंसिड फाइबर इज चीफली कंपोज ऑफ तो लिंसिड की जो फाइबर होती है उसमें कौन सा कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होता है मेनली ये पूछा गया है तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो लिंसिड की फाइबर है उसको क्या बोलते हैं उसको बेस्ट फाइबर भी बोलते हैं और लिंसिड के सीट को फ्लैक्स भी बोला जाता है तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि लिंसिड की फाइबर को क्या बोलते हैं बास्ट फाइबर बोलते हैं दूसरा लिंसिड एक ऑयल सीड क्रॉप है ये भी हमें क्लियर होना चाहिए आ, और लिंसिड का जो लिंसिड ऑयल में एसिडिटी हो जाती है इसी वजह से इसको हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं करके रख सकती हैं और दूसरा अगर हम बात करें इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स की तो यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन का राइट right आंसर देख लेते हैं कि लिग्निन आएगा सेल्यूलोस आएगा स्टार्च आएगा या फिर ऑल ऑफ दीज आएगा तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो आएगा सेल्यूलोस आपका जो जूट है जूट के अंदर सेल्यूलोस जो है वो सबसे ज्यादा इसकी फाइबर में जो है वो मेनली जो कंपाउंड है वो सेल्युलस ही प्रेजेंट होता है इसके अलावा अगर हम बात करें आपका लिंसिट जिसको अलसी भी बोलते हैं तो इसका जो है वो काफी जगह पे इसका यूज किया जाता है मेनली जो इसके न्यूट्रिशल बेनिफिट बेनिफिट्स हैं इसको आपका बोल बॉडी के अंदर जो है वो ग्रीस परपस के लिए ग्रीस परपस को भी लिए भी इसको यूज करते हैं इसके अलावा आर्थराइटिस में भी इसका मेन रोल होता है फ्लैक्सीड ऑयल का और दूसरा अगर हम बात करें तो इसका इससे फाइबर वगैरह फ्लैक्स फाइबर या फिर इसके रॉप्स वगैरह भी इसी से बनाई जाती हैं दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब सेल्यूलोस वाला यहाँ पे आया हुआ था तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे, पे आपने ध्यान में रखनी है दूसरा आपको इसके रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए जूट के रिलेटेड सॉरी लिंसिड के रिलेटेड उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें Which part of the plant has horizontal growth habit? तो यहाँ पे ये यह पूछा गया है कि किस part of plant की यहाँ पे offset की की क्राउन की या फिर रनन की जो है वो हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ हैबिट होती है तो इस क्वेश्चन को हम तभी कर सकते हैं अगर हमें इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्लियर है ये पता है कि कौन सा प्लांट का जो पार्ट है मेनली ये क्या है प्लांट के स्पेशलाइज्ड पार्ट हैं जिनको हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के लिए यूज करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर पार्ट part जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और उसका फर्दर जो है वो प्रोसेस uh, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आपको यहाँ पे क्या है ऑफसेट uh, का मतलब क्या है ऑफसेट uh, अब सभी को दिख रहा है कि ऑफसेट मेनली जो है वो प्लांट का जो बेसल पोर्शन है बेस uh, से ही ओरिजिनेट हो रहा है बट वो आपका ओरिजोंटल में है तो

ब्राउन बोला जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे रनर तो हो चुका है ऑफसेट बचा है तो इसको जो है ये जो ऑफसेट है ये भी आपका प्लांट का जो बेसल पोर्शन है जहां से उसकी स्टेम्स ओरिजिनेट हो रही हैं तो वहां से ही ओरिजिनेट होता है तो उसको ऑफसेट बोलते हैं ऑफसेट या ऑफ शूट बोला जाता है और ये डेट इंपॉर्टेंट प्रोपिगेशन मेथड है तो ये भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम में इनका क्वेश्चन जो है वो कैसे भी आ सकता है इसके अलावा अगर हम बात करें स्टोलन की तो स्टोलन जो है वो मिंट का और बर्मुदा ग्रास जिसको दूप ग्रास भी बोलते हैं उसका प्रोपिगेशन मेथड है तो ये सारी आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करें सुटेबल एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स ऑफ कॉलीफ्लावर इज तो कॉलीफ्लावर सीडलिंग्स की सुटेबल एज क्या है ट्रांसप्लांटिंग की तो क्या आंसर आएगा इसका फोर टू फाइव वीक्स आएगा सिक्स टू एट वीक्स आएगा थ्री टू फोर वीक्स आएगा या फिर एट टू टेन वीक्स आएगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो क्या है फोर टू फाइव दो में कन्फ्यूजन होगी सभी को फोर टू फाइव में या फिर थ्री टू फोर में तो अभी बताओ इसका राइट right आंसर जो है वो क्या आएगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है फोर टू फाइव वीक्स कॉलीफ्लावर का जो सीड है उसका नर्सरी uh, के बाद जो है वो फोर टू फाइव वीक्स के बाद उसका जो है वो ट्रांसप्लांटिंग कर दिया जाता है दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेजिटेबल्स के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट सोइंग की जाती है और जिनमें जो है वो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है अगर हम डायरेक्ट सोइंग की बात करें तो डायरेक्ट सोइंग मेनली उन क्रॉप्स में की जाती है जिनका सीड जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड बड़े साइज का होता है और जिनका सीड काफी छोटा होता है उनके अंदर हम ट्रांसप्लांटिंग को ही फॉलो करते हैं तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडिंग कमर्शियल पाइनएप्पल वेराइटी वैल्यूड पर्टिकुलरली फॉर कैनिंग तो कैनिंग पर्पज के लिए जो पाइन की इंपॉर्टेंट वेराइटी है वो कौन सी है फर्स्ट ऑप्शन है क्यू सेकेंड है जियाड क्यू थर्ड है लखट एंड फोर्थ है चॉकलेट ड्रॉ चाइल्ड तो इसका अगर हम राइट right आंसर की बात करें तो तीनों में से क्या आंसर आएगा इसका तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्यू वराइटी आएगा क्यू जो है वो आ, आपका साइन ग्रुप की वैरायटी है मेनली तो एग्जाम में दोनों ही आ सकते हैं साइन ग्रुप भी आ सकता है और इसमें यह भी आ सकता है कि कैनिंग के लिए जो पाइनएप्पल की कौन से ग्रुप की वैराइटीज को ग्रो किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए साइन ग्रुप वाली को किया जाता है दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पाइनएप्पल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट है मिली बग है उसके उसके जो ससेप्टेबल या उसके ससेप्टेबल वरायटीज कौन सी या इंजेंट कौन सी दोनों आपको जो है वो इसके बारे में पता होनी चाहिए दूसरा अगर हम बात करें तो आपका कैनिंग पाइनएप्पल की बात हो रही थी अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता टेबल पर्पज ऑफ पाइन जो है वो कौन सी वेरायटी है तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा जो पाइन की मिड सीजन वैरायटी है मोरूशियस वैरायटी जो है वो आपका पाइनएप्पल के अंदर टेबल पर्पस वैरायटी है मेनली इसके अलावा अगर हम तो वैरायटी की बात करें तो वो अर्ली वैरायटी है इसके अलावा मारूशियस जो है वो मिड सीजन है एंड एंड क्यू की बात करें तो वो लेट सीजन वरायटीज तो टेबल पर्पज में जो है वो मारूशियस वरायटी का नेम आएगा तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट था दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पाइन है वो एक मोनोकॉर्ड प्लांट है हर्बे हर्ब है मेनली इसके अलावा इसका जो Uh, इसमें प, आपका पार्थिनोकार्पी है वो वेजिटेटिव टाइप की पार्थिनोकार्पी होती है तीसरा अगर हम बात करें लखत जो वैरायटी है इसमें अल्कोहलिक फ्लेवर होता है तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए लखत वैरायटी का जो फ्लेवर है वो अल्कोहलिक होता है इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें द दॉयल ऑफ नर्सरी बेड शुड बी स्टर्लाइज विद नर्सरी बेड की जो सॉइल है उसको किसके थ्रू स्टरलाइज किया जाता है ऑप्शन है फर्स्ट डाइमेक्रॉन फॉर्म एल्डीहाइड बी एस सी एंड थिरम तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा तो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नर्सरी वाला पार्ट ही आपका इंपॉर्टेंट है तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो फॉर्मल एल डी हर डाएगा या फिर फॉर्मल एन भी यहाँ पे हो सकता है इन दोनों के द्वारा जो है वो नर नर्सरी बेड की ड्रेंचिंग की मतलब स्टरलाइजेशन उसकी की जाती है तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि इनमें फ्यूम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से आपके उसके स्वाल के अंदर अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स प्रेजेंट हैं तो वो आपके किल हो जाते हैं तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें द सोइंग टाइम इन नर्सरी ऑफ स्प्रिंग समर टमेटो इज तो स्प्रिंग समर टमेटो का नर्सरी सोइंग टाइमिंग क्या है अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन का ध्यान से देखें ऑप्शंस को देखें सबसे पहले तो तो नवंबर दिसंबर है जनवरी फेबररी है मार्च अप्रैल है जून जुलाई है तो यहाँ पे आंसर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्प्रिंग समर वर्ड लिखा हुआ है वो आपका किसके साथ रिलेटेड है मतलब कि वो सोइंग के साथ रिलेटेड है या फिर हार्वेस्टिंग के साथ रिलेटेड है क्योंकि अगर आप इस वर्ड को पढ़ोगे तो आपके माइंड में आंसर आ जाएगा कि इसका आंसर जो है वो मार्च अप्रैल होना चाहिए क्योंकि स्प्रिंग समर मंथ जो है वो यही आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बट एक्चुअल में आपका आंसर टोटली रॉन्ग है वो क्यों है सॉरी यहाँ पे आपका आ, अगर आप सोइंग टाइम की बात करोगे द सोइंग टाइम इन ये आपका अगर आप इसको देखोगे कि स्प्रिंग समर के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो मार्च अप्रैल होना चाहिए बट यहाँ पे जो मार्च अप्रैल की बात हो रही है वो आपकी हार्वेस्टिंग की बात हो रही है तो मतलब कि ऐसी क्रॉप जिसकी हार्वेस्टिंग समर मंथ में होगी या फिर स्प्रिंग मंथ में होगी तो उसके लिए नर्सरी सोइंग का टाइम क्या होगा तो ये तो आपको भी पता है कि अगर हमने हार्वेस्टिंग करनी है तो सोइंग तो हमें उससे पहले ही करनी पड़ेगी तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा नवंबर दिसंबर जो है इसको

इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सॉल्ट क्रीक इज अ सॉल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ ऑफ द फॉलोइंग मैंगो ग्रेप्स सिट्रस एंड गुआवा तो ये सॉल्ट क्रीक जो है वो फॉलोइंग में से किसका रूट स्टॉक है अब रूट स्टॉक वाला टॉपिक जो आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर है फूड साइंस के अंदर है मेनली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का ही आ सकता है तो आपको सभी क्रॉप्स का रूट स्टॉक मेनली याद होना चाहिए और रूट स्टॉक में भी अगर हम स्पेसिफाइड करें तो वो रूट स्टॉक इंपॉर्टेंट है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं लाइक अगर हम बात करें सॉल्ट रजिस्टर रूट स्टॉक कौन सा है ड्रॉट ऑर्डर रूट स्टॉक कौन सा है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट डवाफिंग रूट स्टॉक कौन सा है तो इस वजह से जो है ये आपका तो इस वजह से आपका वो पार्ट इंपॉर्टेंट है आपको रूट स्टॉक्स को अच्छे से याद करना है कि डिवाफिंग रूट स्टॉक कौन से हैं सॉल्ट रेजिस्टेंट कौन से हैं इसके अलावा ड्रॉट टॉलरेंट कौन से हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैंगो गुआवा ग्रेप्स और सिट्रस की तो जो सॉल्ट क्रीक रूट स्टॉक है वो ग्रेप्स का है तो ये आपका इंपॉर्टेंट था अगर हम यहाँ पे गुवा की बात करें तो गुआवा का आपने बताना है कि कौन कौन से रूट स्टॉक्स है सिट्रस के कौन कौन से है मैंगो का तो आप सभी को पता है मैंगो के तो काफी सारे रूट स्टॉक्स है बट अगर हम बात करें गुआवा की तो गुआवा का जो है वो पूसा रूट स्टॉक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी आया हुआ है कि पूसा सीजन जो है वो किस क्रॉप का रूट स्टॉक है इसके अलावा अगर हम बात करें सिट्रस के अंदर कौन कौन से रूट स्टॉक्स है तो मेनली रंगपुर लाइम को मैंड्रीन और स्वीट ऑरेंज के अंदर एज रूट स्टॉक यूज किया जाता है इसके अलावा अगर हम डाफिक रूट स्टॉक ऑफ स की बात करें तो वो ट्रॉयस इंट्रेंज रूट स्टॉक है इस प्रकार से रूट स्टॉक्स को आपने अच्छे से याद करना है और उसी के अलावा अगर हम स्पोटा की बात करें तो स्पोटा में जो है वो रैयान खीरनी जो है एक इम्पॉर्टेंट रूट स्टॉक्स हैं इसके अलावा अगर हम बात करें एप्पल में तो एप्पल में अल्ट्रा डवा रूट स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो वो डबल एम ट्वेंटी सेवन है और एम एम नाइन जो है वो इसका एम ट्वेंटी सेवन जो है एप्पल का आपका द्वा, अल्ट्रा डवा रूट स्टॉक है और अगर हम डवा रूट स्टॉक की बात करें तो वो एम है ये आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राई लैंडस्केप इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ तो जो ड्राई लैंडस्केप है वो फॉलोइंग में से आ, किस का इम्पोर्टेंट फीचर है तो लैंडस्केप का डेजर्ट गार्डन का मुगल गार्डन का या फिर जैपनीज गार्डन का तो इस क्वेश्चन के राइट right आंसर की अगर हम बात करें तो ये टाइप ऑफ गार्डन से क्वेश्चन है उसके अंदर भी फर्दर कैटेगराइजेशन है कि फॉर्मल की टाइप है या फिर इनफॉर्मल की टाइप है तो अगर आपको पता होगा आपने गार्डन को पढ़ा हुआ है तो मेनली तीन टाइप के गार्डन होते हैं फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन और फ्री स्टाइल ऑफ गार्डन अगर हम फॉर्मल्स की बात करें तो इसमें मुगल गार्डन आ जाता है और पर्शियन गार्डन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अलावा अगर हम नॉर्मल फॉर्मल की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जैपनीज गार्डन है इसके अलावा इंग्लिश गार्डन इसके अलावा अगर हम बात करें फ्री स्टाइल ऑफ गार्डन में तो इसमें जो है वो रोज गार्डन मेनली इसके पार्ट हैं तो अब यहाँ पे पूछा गया है दो ऑप्शन हमारे पास ये दोनों तो इसके आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकती तो आप सभी को पता है अब अगर हम यहाँ पे बात करें मुगल गार्डन की और जैपनीज गार्डन की एक आपका फॉर्मल गार्डन की टाइप है दूसरा इनफॉर्मल की टाइप है फॉर्मल का मतलब होता है सिमेट्रिकल गार्डन डिजाइन और इनफॉर्मल का मतलब होता है जिसमें कोई सिमेट्रिकल और आर्किटेक्टर डिजाइन नहीं होता है बट उसमें नेचुरल इफेक्ट होता है गार्डन का या फिर नेचर का जो नेचुरल इफेक्ट है वो उसमें आ जाता है तो इसी वजह से जैपनीज गार्डन को जो है वो नेचर इन मिनिएचर बोला जाता है ये भी आप सभी ने सुना होगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि नेचर इन मिनिएचर जो है वो किस गार्डन को बोलते हैं तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नेचर इन मिनिएचर जो है वो किसको बोला जाता है इसके अलावा इंग्लिश गार्डन भी जो है वो नेचुरल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं मेनली और सबसे ब्यूटीफुल गार्डन इनको ही बोला जाता है और अगर हम मुगल गार्डन्स की बात करें तो ये आपका जो है वो रनिंग वाटर मेनली इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है रनिंग वाटर हो गया हाई प्रोटेक्टिंग वॉल्स हो गया इसके अलावा अगर हम जेपनीज गार्डन की बात करें तो स्टैंडिंग वाटर इसका जो है वो इम्पोर्टेंट फीचर है तो इन सभी गार्डन की फीचर्स आपको अच्छे से पढ़नी है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो ड्राई लैंडस्केप एंड आपका स्टैंडिंग वाटर जो है इसकी इम्पॉर्टेंट फीचर है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब आप सभी को पता चल चुका है कि जेपनीज गार्डन जो है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आएगा तो ये आपको आपके लिए हमें पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइज़र यूज इन एक्वा कल्चर इन इंडिया इज़ तो इंडिया के अंदर जो एक्वा कल्चर में बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है वो क्या है कौन सा है फॉलोइंग में से एजोला है लेपना है हाइड्रिला है या फिर बोथी एंड बी हैं है? दूसरा हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये वीड्स हैं यहाँ पे ये एक क्टिक पॉन्ड के अंदर किस किस कैटेगरी के हैं लाइक वीड हैं आपका फ्लोटिंग वीड्स हैं तो ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें एजोला को जो है वो यूज किया जाता है इंडिया के अंदर एक्वाकल्चर में एज ए बायो फर्टिलाइजर के लिए तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसके अलावा अब आप आपने आंसर करना है कि जो लैमना और हाइड्रिला है ये किस कैटेगरी के वीड्स है इन एक्वाकल्चर उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कल्चर श्रीम्स फीडिंग रेट इज एडजस्टेड बेस्ड ऑन तो जो फीडिंग रेट होता है वो फॉलोइंग में से किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है श्रिम्प कल्टिवेशन में मेनली तो आपको पता होगा कि अगर हम फिशेस की और श्रिम्स की बात करें मतलब कि ट्रू फिशेस की और क्रुस्टेशंस की बात करें तो उनमें मेनली जो फीड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेनली अगर फार्मर की हम बात करें कि फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट है वो किस चीज में ज्यादा है तो वो फीड में ही होती है दूसरा फीड के अंदर ये भी ध्यान रखना होता है कि वो प्रोटीन रिच होनी चाहिए तो अब वेरी गुड हाइड्रिला जो है वो सब मजबीड है तो अब यहाँ पे जो पूछा गया है कल्चर शिप्स के लिए जो फीडिंग रेट है वो किस चीज के ऊपर एडजस्ट किया जाता है फर्स्ट ऑप्शन है एस्टिमेटेड सर्वाइवल कि उस फीड से सर्वाइवल रेट में कोई इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा या फिर नॉर्मल से भी वो डिक्रीज हो रहा है तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है उसके अलावा अगर हम सेकंड की बात करें है फीड कंज़प्शन कितना उसका कंजप्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर फीड का ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो हम वहाँ पे फीड ऐड करें वो श्रिम्प्स को वो पसंद ही ना हो उसको वो ना पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए वहाँ पर तो मेनली हमने ध्यान रखना है कि जो फीडिंग रेट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि फीड कंजन कितनी है उनकी एस्टिमेटेड सर्वाइवर कितना है उस फीड को कंज्यूम करने के बाद इसके अलावा इंडिविजल बॉडी वेट कितना है उस फीड को कंज्यूम करने के बाद श्रिम्स ने कितना बॉडी वेट आपका जो है वो गेन किया है तो ये तीन क्राइटेरियाज हैं जो कि बोले गए हैं कि फीडिंग रेट हम किस बेसिस पे एडजस्ट करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज तो इसमें से राइट right आंसर क्या आएगा तो इस क्वेश्चन का जो तो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दिस इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के ही जो है वो फीडिंग रेट को एडजस्ट किया जाता है कि बॉडी वेट भी नहीं ज़्यादा होना चाहिए हमारा जो शिम्स का अगर हम बात करें मोनोकल्चर के अंदर तो उनका टेन टू ट्वेल्व मंथ्स का जो है वो ओवरऑल टाइमिंग होती है उनकी मेच्योर होने की हार्वेस्ट होने की तो उस टाइम पे स्पेसिफाइड वेट ही होना चाहिए ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए दूसरा अगर हम बात करें फीड कंजप्शन कितनी है उनकी और एस्टिमेटेड सर्वाइवल परसेंटेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है तो इस सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है फीडिंग को एडजस्ट करते टाइम तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था उसके महाराष्ट्र कर्नाटक केरला एंड गोवा तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डोल नेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है और इनको कहां -कहां पे यूज करती है। तो ये इस काइंड के नेट्स होते हैं मेनली हम बोल सकते हैं कि ये आपका एंगुलर नेट्स टाइप इनको या फिर कॉनिकल टाइप ज्यादा सुटेबल बढ़ रहेगा यहाँ पे तो मेनली कॉनिकल कॉन शेप के नेट्स होते हैं कॉनिकल फॉर्म में होते हैं डोल नेट्स तो एक तो आपको ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कॉनिकल नेट्स है ये दूसरा अगर हम बात करें इनकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली सॉरी इनकी जो डेप्थ है पॉन्ड के अंदर तो वो 40 मीटर के अप्रॉक्स होती है इनकी डेप्थ दूसरा इनको वहां पे यूज करते हैं जो कि टाइडल एरियाज है हाईली टाइडल जो आपका वाटर बॉडीज है वहां पे इनको मेनली यूज किया जाता है तो सभी ने इसका आंसर किया है केरला वाई केरला कोई रीजन है आपके पास इसका कि केरला आंसर इसका क्यों आएगा तो अब मैंने आपको ये बता दिया है कि एक तो एक क्रॉनिकल नेट्स हैं 40 मीटर तक की इनकी डेप्थ होती है दूसरा जो हाई टाइडल एरियाज हैं जहाँ पे टाइडल आपका जो टाइड्स वगैरह जो है ज़्यादा स्ट्रॉम टाइडल स्टोन ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे इनको यूज करते हैं तो इसके लिए जो मेन स्टेट्स हैं कि डोल नेट्स को कहाँ पर यूज किया जाता है तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की जो कि टाइडल एरियाज़ हैं वहाँ पर इनको हम यूज़ करते हैं तो ऑप्शन में गुजरात नहीं था तो इसी वजह से यहाँ पर इसका जो राइट आएगा वो महाराष्ट्र आएगा बट अदरवाइज आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों में ही डोल नट्स को मेनली यूज किया जाता है तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट था डोल नट्स के अंदर कॉनिकल शेप के हैं ये आपको ये भी ध्यान होना चाहिए उसके अलावा अगर हम बात करें गियर यूज फॉर मैक्ट्रियल फिशरीज जो इंडियन मैक्ट्रियल है इंडियन नेशनल फिश ऑफ इंडिया है उसको उसकी फिशरी के लिए या फिर उसकी कैप्चरिंग के लिए फॉलोइंग में से कौन से नेट्स को यूज किया जाता है तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा रैम्पनी नेट्स आएगा तो रैम्पनी नेट्स रैम्पनी को जो है वो इसमें यूज किया जाता है तो ये आपका इंपॉर्टेंट था उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें हाइएस्ट मैकनाइज बोट्स प्रेजेंट इन तो हाइस्ट मैकानाइज्ड बोट्स जो हैं वो फॉलोइंग में से किस स्टेट में प्रेजेंट है मैकानाइज्ड बोट्स का मतलब क्या होता है कि जिनमें मोटर वगैरह प्रेजेंट होती है या फिर जिनमें मैकनाइज uh, टूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम मैकनाइज बोट्स बोलते हैं इसके अलावा नॉन मैकनाइज बोट्स वो होती हैं जिनमें ना तो कोई मशीनरी वगैरह होती है और ना ही उसमें कोई ऑयल का मतलब मशीनरी मोटर वगैरह कुछ नहीं होता उनके अंदर उनको हम जो है वो नॉन मैकनाइज बोट्स बोलते हैं तो कैटरमेंस जो है वो मेनली नॉन मैकनाइज बोट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि हाईएस्ट मैकनाइज बोर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट है महाराष्ट्र में है गुजरात में है केरला में है या फिर ऑल ऑफ दीज है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा गुजरात आएगा गुजरात में जो है वो हाईएस्ट मैकानाइज बोर्ड्स प्रेजेंट है इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच वन इज मोर एफिशियंट मैथड ऑफ कैचिंग डी मर्सल फिश सीजनली डी मर्सल फिश को कैप्चर करने का मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है अब इस क्वेश्चन को अगर हमने देखना है कि इसका राइट right आंसर क्या आएगा तो वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि डी मसल पहले हमें पता होना चाहिए कि डी मसल फिशिज कौन सी होती हैं ऐसी जो कि बॉटम लेयर ऑफ सी में प्रेजेंट हैं मतलब काफी डीप है तो उसके लिए फिर हमारा राइट right आंसर क्या हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन है बॉटम ट्रॉल बॉटम ट्रॉल सेकेंड है आपका मिड वाटर ट्रॉल थर्ड है गिल नेटिंग फोर्थ है लॉन्ग लाइन तो अब अगर आपको डी मसल वर्ड का मीनिंग पता था तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा बॉटम ट्रॉल आएगा बॉटम फिशिज को कैप्चर करने के लिए बॉटम ट्रॉल नेट को जो है वो यूज किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्टोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लेक्टोमीटर को किस चीज के लिए किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है फर्स्ट ऑप्शन है मेजरिंग प्योरिटी ऑफ मिल्क सेकेंड है मेजरिंग डेंसिटी ऑफ मिल्क थर्ड है मेजरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिल्क एंड फोर्थ है मेजरिंग फैट परसेंटेज ऑफ मिल्क तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा फैट परसेंटेज आएगा डेंसिटी आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा या फिर प्योरिटी ऑफ मिल्क आएगा तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर तो इसका जो राइट right आंसर है वो मेनली लैक्टोमीटर को इसलिए यूज करते हैं ये देखने के लिए कि जो ये मिल्क है वो कितना डेंस है मतलब कि इसमें कितना अमाउंट में वाटर डाला हुआ है

वूल जो है वो फॉलोइंग में से किस टाइप ऑफ वूल को प्रोड्यूस करती है किस टाइप के लिए इसको जाना जाता है मीडियम वूल है लॉन्ग वूल है कारपेट वूल है या फिर फाइन वूल है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा तो मैरिनो जो है वो फाइनेस्ट वूल फाइनेस्ट वूल होती है इसकी तो फाइनेस्ट वूल के लिए इसको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा फाइन वूल आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सडन डेथ उट अपज में इंडिकेशन द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज तो यहां पर कौन सा जो है डिजीज है जिसकी बिना किसी सिम्टम के एनिमल की सडन डेथ हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है एंथ्रेक्स है रिंडरपेस्ट है, है या फिर ट्यूब्रोकॉसिस है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा आप आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो सारे डिजीजेज हैं इनका कॉजल ऑर्गिज्म कौन है कौन कौन इसको कॉज करता है तो बी ऑप्शन बताया है सभी ने स्पेन ऑरिजन ओके मरीनो का ऑरिजन जो है वो स्पेन है वेरी गुड इसके अलावा एंथ्रेक्स वेरी गुड नरेंद्र का आंसर यहाँ पे राइट right है कि जो एंथ्रेक्स है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कैटल का एज वेल एज शीप का बैक्टीरियल डिजीज है जो कि जूनोटिक डिजीज भी है जूनोटिक से जो एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड हो जाता है और दूसरा अगर हम बात करें कि इसमें एनिमल की सडन डेथ हो जाती है विदाउट एनी अपरेंट सिम्टम्स एनिमल को एकदम से बहुत तेज फीवर होता है उसके बाद उसकी सडन डेथ हो जाती है विद इन फ्यू आवर्स या फ्यू मिनट्स बोल सकते हैं इसको हम तो इसी वजह से क्या है एक आपका इंपॉर्टेंट डिजीज़ है अगर डेथ हो जाती है डेथ होने होते टाइम या डेथ होने के बाद जो एनिमल का नोज है उसका माउथ है या फिर एनिमल की जो बॉडी आफ्टर डेथ हो चुकी है उसमें से ब्लड फ्लो होने लग जाता है तो इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं एंथ्रेक्स डिजीज के आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है कैटल और शीप का इसके अलावा इसका आंसर जो है वो एंथ्रेक्स है थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फ्लशिंग मीन्स फ्लशिंग का मतलब क्या है फ्लशिंग का मतलब है टू क्लीन द एनिमल यूजिंग अ स्प्रेयर टू ड्रेन द वेस्ट मटेरियल लैम्बिंग इन शीप फीडिंग लिबरली बिफोर ब्रीडिंग ऑफ शीप तो फ्लशिंग का मतलब क्या होता है तो फ्लशिंग का मतलब होता है कि जब शीप जो है वो ब्रीडिंग फेस में पहुंचने वाली है या फिर वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो चुकी है उसका ब्रीडिंग फेस होने वाला है या फिर उसका आ, आपका जो है मेटिंग प्रोसेस से पहले ब्रीडिंग फेस से पहले जो है उसको आ, थोड़ा सा ज़्यादा फीड दिया जाता है उस मैथ उस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं फ्लशिंग बोलते हैं तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा Uh, आपका फ्लशिंग आई सॉरी फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा लैम्बिंग इन शीप क्या है शीप का जो पार्टुलेशन का मेथड है उसको लैम्बिंग बोलते हैं इसके अलावा जो फर्स्ट टू ऑप्शन है उसका रेलिवेंट आंसर नहीं है तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टोराइन एनिमल्स आर तो जो एस्टोराइन एनिमल्स होते हैं फॉलोइंग में से वो क्या होते हैं अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एस्टोरीज है एस्टोरीज वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है या फिर एस्टोरी क्या होता है तो एस्टोरीज जो है वो एक वाटर का रिसोर्स है मतलब कि ऐसा रिसोर्स ऐसा एक्वा कल्चर का सिस्टम जहां पे फ्रेश वाटर सी वाटर के साथ मिल जाता है मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं एस्चरीज बोलते हैं अब आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि फ्रेश वाटर और सी वाटर है मतलब कि जो वाटर है वो पूरा फ्रेश नहीं है ना ही वो पूरा सॉल्टी वाटर है वो मिक्सचर है दोनों का मतलब उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो इन बिटवीन है फ्रेश वाटर के और मेराइन वाटर के तो इसी वजह से जो एनिमल होंगे वो भी ऐसे होने चाहिए वहां पे जो कि सैलिनिटी कंडीशन को टॉलरेट कर सके तो इसी वजह से बस अगर आपको ये पता था तो इस क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हो स्टीनोहेलाइन आएगा. का मतलब क्या होता है? जिनकी नेरोज ऑफ सॉल्ट टॉलरेंस होती है मतलब की ऐसे ऑर्गेनिज्म जो की अगर सोल्ट का अमाउंट कम ज्यादा हो रहा है तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में क्या है नैरो रेंज है इसके अलावा अगर हम यूरोलाइन की बात करें तो इनमें जो है वो वाइडर रेंज ऑफ सोल्ट टॉलरेंस होती है और दूसरा अगर हम ऑलिगो हेलाइंस और थर्मो हेलाइंस की बात करें तो ये आपका टेम्परेचर टॉलरेंस के बेसिस पे है तो इस प्रकार से आपको यहां पे इनका पता होना चाहिए था अगर आपको एस्ट्रीज वर्ड्स का मीनिंग पता था तो आप इसको इजिली कर सकते थे इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आई uh, होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए या फिर इसमें जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपके एग्ज़ाम में जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बेनिफिशियल रहेगा तो इसी प्रकार से मिलते हैं न्यू सेशन में न्यू टॉपिक के साथ और आपका एग्ज़ाम में जिससे आपकी हेल्प भी हो सके तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू टू ऑल